मालेगांव शहर को आजाद करवाया, ये ओ गयुक लोगों का शहर है। और आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि पराका मत फोड़ो, पराका तो अब दूसरा फूटेगा। ये पुलिस वाले जो खेले हमसे, अब ये जवाब देंगे, लेना चाहिए कि नहीं इनसे जवाब। आप लोगों का साथ, आप लोगों की ताकत, आप लोगों का इत्तेहाद मालेगांव शहर को एक नई दिशा देगा। घर में बैठे हुए लाखों प्रवासी हमारी माँ बहने जो हमारे लिए रोजा रखी, जो हमारे लिए दुआएं करे, इस शहर के गैर मुसलमान जो हर मस्जिदों में हमारे लिए दुआएं किए, इस शहर के काबिले इकराम और मैं किराम जो हमारे लिए जगह जगह पे दुआओं का इंतजाम करवाया, आज इस जीत का सहारा उन लोगों के सर पे जाता है। और आप लोगों की दुआओं से मेरा छोटा भाई मुस्तकीम दिखने की जो एक बहादुर शेर की तरह नुमाइंदगी किया है, शहर के नौजवानों को गाइड किया है कि किस तरीके से हमें आवाज से लड़ना चाहिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आपको बताया है, जिन लोगों ने शहर के पीठ में खंजर रोका है, नदी के नाम पे गद्दारी की है, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को ढोल छटाना, उन लोगों को उनकी औकात बताना जो कहते हैं चार जलसे में शहर का रुख चेंज कर देंगे। शहर में बहुत चिल्ला छट्टी मनाई जा रही है, अरे तुम्हारी माँ जानती है तो ये बदलाव करिए, कितने बड़े बहादुर है ये बदलाव के लिए बनना था, सारे दिल में छुप कर के दिल में कहे समान नहीं सकता, उसे कोई हक है क्या नुमाइंदगी करने का, कोई हक है क्या नुमाइंदगी करने का, ये ऐसा शेर जो नाश होकर जो रहता रहा। आप लोगों को ये रिजवान बैठने वाला नबी के नाम पे, नबी के नाम पे, नबी की शान में जो गुस्ताखी की जाएंगी, अगर जो पुलिस बाबा भीमराव साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के मुताबिक उनके कार्रवाई नहीं की गई तो एक नहीं है हजार बार वोट जाऊंगा। कहा गया कानून बेगुनाह को 337 दिन जेल की सलाखों में सलाने की साजिश, लेकिन देखो कैसे सब तने तना तन ताजा हो गया है। ए देखो, अरे भाई काटेंगे कि नहीं जेल, आप उठाकर बताओ। ये देखिए, आप लोगों से गुजारिश है कि आप पटाखेबाजी मत करो, इनका जवाब अपनी कीमती ओटों से देना, इनका जवाब टोटो से देना, इनका जवाब रिटर्न में देना। और मैं सुना 78 ऑफिसर एक